मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि हाईवे कितना भी जाम रहे, पाइपलाइन के रोड से अंदर से मत आना। नदीम भाई, मैं जाहिद बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत ख़राब मेरे साथ हादसा हुआ है। अभी मैं अपनी गाड़ी पाइपलाइन पे छोड़ लिया हूँ। अब दो तीन दोस्तों को बुलाया हूँ, उन लोगों के साथ जाके मैं गाड़ी लूँगा। तो हाईवे कितना भी जाम रहे, अंदर से शॉर्टकट मारने की कोशिश मत ना करे रात में। मैं सुबह बात करता हूँ। ये जो आपने देखा और सुना, ये भिवंडी शहर में बीते दिनों से एक फोटो, वीडियो और ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के सामने भूत है और वो डर गया और फिर उस भूत की फोटो निकाला और वीडियो भी बनाई, जिसमें भूत के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है और उस शख्स ने लोगों से अपील भी की, लोग ट्रैफिक को देखते हुए शॉर्टकट ना ले और पाइपलाइन के रास्ते से ना जाएं। मगर सवाल यह है कि भूत देखने के बाद कोई कैसे फोटो, वीडियो और ऑडियो बना सकता है या फिर वह से भाग जाएगा। फिलहाल इस वीडियो और ऑडियो को भिवंडी शहर का बताकर धड़ल्ले से व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसकी पुष्टि किए बिना ही कई न्यूज चैनल पर इसे भिवंडी शहर का बताकर चलाया जा रहा है। लेकिन जब उसको वेरीफाई किया गया तो यह एक अखबार से पता चला कि ये फोटो भिवंडी शहर की नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के धर्मपुरी सिटी की है। लेकिन ये खबर कब की है, ये अभी पता नहीं चल सका है।